हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लाया हूँ गाइस अभी वक्त इस वक्त की सबसे बड़ी सीरीज जो होने वाली है, टी ट्वेंटी सीरीज होने वाली है। वो होने वाली है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। मैच प्रेडिक्शन लेके आया हूँ गाइस। जो पहला मुकाबला ये खेला जाए 11 सितंबर की शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला होगा द रोज बाउल साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में। तो मैच में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस, डॉली बैटिंग न्यूज चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोग को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन चैनल से डॉली बैटिंग न्यूज चैनल में ज्वाइन नहीं होंगे, वो प्लीज सॉरी चैम चैनल में जरूर लेफ्ट कर जाएं। अगर आप डॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, एक बार के लिए सॉरी चैम चैनल में ज्वाइन नहीं होगा चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना। तो गाइज मेरे हिसाब से अब मैं आपको बताऊं कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और क्या है। एनालिसिस शुरू करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्लेयर हैं वो हैं आपका मिचेल मार्श, जेक फिजम, मेगर्क, ट्रेविस हेड, मार्कस टॉयनी, जॉस एग्निस, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, एरन हार्डी, जेवियर बार्लेट। तो सिर्फ मैक्सवेल को छोड़ के सारी बेस्ट टीमें लाए हैं भाई। और इंग्लैंड के पास जो देखूं, विल जैक्स, फिल्प सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, जॉर्डन कॉक्स, डेन मुसली, आदिल राशिद, शकीब महमूद, और गाइज आपका जॉश बटलर को चोट लगी हुई है। जॉश बटलर नहीं खेलेंगे, उनकी जगह फिल्प सॉल्ट कप्तानी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पलड़ा तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। और इन दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों में डालू, 5 में से 3 जीत के आ रही है इंग्लैंड, 5 में से 3 जीत के आ रही है ऑस्ट्रेलिया भी। दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले में 6 बार जीती है आपका इंग्लैंड, 4 बार जीती है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस, इस ग्राउंड पे अगर मैं फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करूँ, 173 रन का रहता है। सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है गाइस 140 रन। ठीक है, हाईएस्ट टोटल है 248 रन, जो कि बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया था। एरन फिंच ने 156 रन मारे थे। सबसे कम रन जो है 79 रन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। ऑल आउट हो गई थी, बहुत साल पुरानी बात है ये। 158 रन हाईएस्ट चेज है यहाँ पे गाइस, जो कि बनाया किया था इंग्लैंड ने। आप समझ सकते हो गाइस, 158 रन हाईएस्ट चेज है, इसका मतलब यहाँ पे चेज नहीं होता है। ठीक है, सबसे कम रन डिफेंड जो है 162 रन किए थे आपका इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, तो अब आइए इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे ना डाले, तो इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैक फ्रेजर मेगा को ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड टुल्ले के साथ, मिचेल मार्श नंबर 3, जॉश इग्निश नंबर 4, कैमरन ग्रीन नंबर 5, मार्कस टॉयनिस नंबर 6, टिम डेविड नंबर 7, जेवियर बार्लेट नंबर 8, एडम लंबा नंबर 9, स्पेंसर जॉनसन नंबर 10, जॉश हेजलवुड नंबर 11। वहीं अगर मैं इंग्लैंड की टीम पे ना डालूँ तो उनके पास विल जैक्स ओपनिंग करेंगे फिल्प सॉल्ट के साथ, जॉर्डन कॉक्स नंबर 3, लियम लिविंगस्टन नंबर 4, सैम करन नंबर 5, डेन बुसली नंबर 6, जेमी ओबर्टन नंबर 7, जफरा आर्चर नंबर 8, आदिल रशीद नंबर 9, सकीम महमूद नंबर 10, रे स्टोपली नंबर 11। तो ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताऊँ कि इस ग्राउंड पे सेशंस कितने बनते हैं। तो सेशंस कुछ इस प्रकार बनते हैं, 6 ओवर में आप पहली पारी में बनते हैं 48 रन, दूसरी पारी में बनते हैं 43 रन, 10 ओवर में पहली पारी में बनते हैं 76 रन, दूसरी पारी में बनते हैं 66 रन, 15 ओवर में पहली पारी में 115 रन बनते हैं, दूसरी पारी में 108 रन बनते हैं, 20 ओवर में पहली पारी में 167 रन, दूसरी पारी में 153 रन। तो ये तो थी सेशंस की बात है। तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है। सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों गाइस, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस, डॉली बैटिंग टिप्स चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल में डाला करूँ ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोग को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गाइस सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन हम चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। तो गाइस दोनों मेरे ही चैनल है, कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन हमें प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए। और एक बात ध्यान रखना गाइस,
बहुत से फेक चैन बन गए मेरे चैनल डॉली बटिंग चैन के नाम पे और मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ चैन के नाम पे। तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए, आपको वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बटिंग चैनल में भी जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है गाइस। तो एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं हो गए चलेगा, पर डॉली बेटिंग न्यूज चैनल में सभी को ज्वाइन होना। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी आपका गाइस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीतेगी। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आफ्टर द टॉस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।